नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खबर दोपहर में खबरों का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक द्वारा उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाने पर शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल बस्ती जिले की हरैया विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अजय सिंह ने संजय सिंह के खिलाफ हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार अजय सिंह ने आरोप लगाया है कि आप सांसद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूपी जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित 30,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के संबंध में गलत तरीके से उनके नाम का इस्तेमाल किया है। वहीं प्राथमिकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित है जिसे संजय सिंह ने 8 अगस्त को संबोधित कर दस्तावेज पेश किए थे, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें बीजेपी विधायक अजय सिंह द्वारा जारी किया गया है। आपको बता दें कि ये दस्तावेज जल जीवन मिशन के कुछ पहलुओं से संबंधित थे और दर्ज कराई गई प्राथमिकी में अजय सिंह ने कहा कि आप सांसद ने लोकप्रियता हासिल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में छेड़छाड़ के बाद दस्तावेज पेश किए थे। प्राथमिकी के अनुसार आप नेता का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा है कि अजय सिंह द्वारा दस्तावेज जारी किए गए थे जो गलत थे। वहीं अजय सिंह ने कहा है कि मूल दस्तावेज राज्य विधानसभा में उनके प्रश्न का एक हिस्सा थे जो पिछली सरकार के दौरान हुए कथित बांध घोटाले की जांच की उनकी मांग से संबंधित थे। आपको बता दें कि पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश में आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ दर्ज किया हुआ ये 15वीं प्राथमिकी है। दो के विधानसभा चुनाव के लिए जहां सभी राजनीतिक दल एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, वहीं बसपा भी इस खेल में अपने आप को आगे दिखाने का हर संभव प्रयास कर रही है, पर उसका ये सपना शायद सपना ही रह जाए क्योंकि उनके नेता जिस प्रकार से जनता से अभद्रता करते हुए पैसे का रौब छाड़ रहे हैं, उससे तो यही लगता है पार्टी के नेता ही पार्टी का सपना पूरा नहीं होने देंगे। दरअसल बाराबंकी से एक ऐसे ही बसपा नेता का वीडियो वायरल हो रहा है जो किसी काम की मांग करने गए युवक से साफ कह रहा है कि 5 लाख रुपए देकर बसपा से DDC का टिकट लिया है, जहां वोट मिला वहां काम नहीं होगा। आपको बता दें कि बाराबंकी की मसौली तृतीया से बसपा के जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर उमा श्रवण वर्मा का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इस वायरल वीडियो में जिला पंचायत सदस्य सीधा पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि 5 लाख रुपए देकर पार्टी से टिकट लाए हैं और संविधान में बाबा साहब और बाद में मान्यवर कांशीराम जी के ने कहा था कि जो कौम बिक जाती है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तुम लोग चुनाव में बिक गए, इसलिए जब तुमने वोट नहीं दिया तो काम मांगने का भी अधिकार खो दिया है। वहीं बसपा नेता की कही ये सारी बातें किसी ने फोन पर रिकॉर्ड कर ली और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल कर दिया है। सब बिक गए एक तरफ से। पूरी खाए 500 रुपया, पूरी खाए 500 रुपया, और हम जिंदगी भर पार्टी में काम किए। मैं टिकट लेके पार्टी में पैसा दे करके आता हूँ। पहले हमसे पैसा वहां जमा करवा लिया जाता है, मालूम है आपको, 5 लाख अंकल इसी चीज के लिए दिया जाता है कि चमारों को तुमको मिलेंगे। एक बात है, ये आपका क्षेत्र है ना, तो कोई योजना है तो आप करना है ये बात। हम वहाँ नहीं करेंगे, मसौल में एक पैसे नहीं करेंगे। हम जब तक 5 साल में अपने नहीं करेंगे। तोड़ गया आपका। हाँ, 402 वोट हमका कटरा के और बुल्लीगंज के कुर्मी दे दिया। हाँ, आपका विश्वास है कि वहाँ से वहाँ से मिली है। हाँ, तब मैं कह रहा हूँ। और संविधान की बात, संविधान उससे ज्यादा आप नहीं जानते। संविधान में ये नहीं लिखा, बाबा साहब ने कहा था जिस वर्ग के लोग बिक जाते हैं, वर्ग के लोग बिक जाते हैं वो कभी आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकते। बिकने से फायदा नहीं उनका एक दिन के लिए। सर, जब हम आम ने देखा नहीं किसी का एक पैसा, मैं पैसा दे करके टिकट लाया। अगर मैंने एक पैसे का अगर किसी का न खाया है न किसी, और मैं ईमानदारी के साथ में कहता हूं, मैं आप माने या न माने, मगर मैं अपने जिम्मेदारी लेते हैं।
ये कहाँ से? इनके गांव, ये गांव के हैं। 15 वार्ड उनके घर में समझे, गेस्ट होंगे। आओ इधर आओ। और हमारे यहाँ रावत की एक लड़की भी आई है कादिरपुर की, 20-25 वार्ड उनके घर की, बस 47 वार्ड हो गए। अरे बाप रे बाप, हमारी जमीन नीचे से चली गई जब मुझे 47 वार्ड। अंबेडकर नगर में शारदा सहायक नहर की पुलिया टूट गई है, जिसके पानी अब पुलिया के ऊपर बह रहा है। वहीं पुलिया टूटने से आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है और फसलें भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। वहीं पानी रोकने के प्रयास में ग्रामीणों ने बमुश्किल एक बांध बनाया है, जबकि प्रशासन की ओर से अब तक कोई सहायता नहीं दी जा चुकी है। वहीं आलापुर तहसील क्षेत्र के अचती गाँव का ही पूरा मामला है, तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से पुलिया टूट गई है, जिसके बाद से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है और टूटी हुई पुलिया पर ही लोगों को नंगे पांव सड़क पर चलना पड़ रहा है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बरेली में एक शादी समारोह में अवैध तमंचे से फायरिंग करना एक युवक को महंगा पड़ गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल होते ही बरादरी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी युवक बरादरी थाना क्षेत्र के सूफी टोला का रहने वाला है। दरअसल यह अवैध तमंचे से फायरिंग का वीडियो बरादरी थाना क्षेत्र के सूफी टोला का है, जहां शादी समारोह में एक युवक अवैध तमंचे से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम आशु है, और आरोपी के पास से पुलिस ने 2 तमंचे और 1 कारतूस भी बरामद किया है। वहीं मामले में पुलिस जांच में जुट गई है और आरोपी युवक से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना बरादरी में एक मुकदमा दर्ज कर फायरिंग करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही युवक से पूछताछ भी की गई है। थाना बारादरी के अंतर्गत में एक शादी समारोह में एक व्यक्ति जो कि सफ़ेद कोट पहने हुआ है, 2 अवैध तमंचे से फायर करता हुआ दिख रहा है। इस तरीके का वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए इसके सफल अनावरण हेतु एक टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा अथक प्रयास एवं पूरे खास की सूचना पर इस व्यक्ति को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके कब्जे से 2 अवैध तमंचा 315 मैं एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इस संबंध में थाना बरादरी पर एक मुकदमा 3/25 के तहत में पंजीकृत कर लिया गया है। इस व्यक्ति से पूछताछ की गई कि ये असलहा कहां से लाता था, इसके द्वारा कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई। फिर भी हम इसमें लगे हुए हैं कि इसका स्रोत कहां है, कहां से लाया है और इसमें और कौन कौन लोग शामिल है, इसके पूरे सप्लाई और डिमांड चेन का पता लगाने के लिए हम इसमें लगे हुए हैं। जल्द ही इसमें और लोग भी शामिल है, उसको हम गिरफ्तार करेंगे और इस मामले में दिखाई सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के निर्देश अनुसार प्रदेश भर में बीजेपी सरकार के विरोध में कांग्रेसियों का प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें बीजेपी गद्दी छोड़ो मार्च निकाला जा रहा है और जिसको लेकर लखीमपुर खीरी जिले में भी कांग्रेस के प्रदेश सचिव सैफ अली नकवी की अगुवाई में बड़ी संख्या में शामिल पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, खराब कुती कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर शहर में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दौरान कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर एक बैलगाड़ी पर बाइक और गैस सिलेंडर लादकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान बेरोजगारी को लेकर एक पकौड़ी स्टॉल भी लगाया गया, जहां युवाओं के द्वारा पकौड़ी तल कर बेची गई। बातचीत के दौरान प्रदेश महासचिव सैफ अली नकवी ने कहा कि बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार से आम जनमानस पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है और अब समय आ गया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी सरकार को यूपी की गद्दी से उतार फेंकेगी।
बाराबंकी में एक अजीबो गरीब वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो इंसानों के ही नहीं बल्कि उन चप्पलों का है जो कोरोना वैक्सीनेशन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। दरअसल घंटों लाइन में लगकर ये चप्पलें अपने मालिक के नंबर का इंतजार कर रही है। ये पूरा वीडियो बाराबंकी के रामस नहीं घाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां वैक्सीन के लिए चप्पलों की लाइन का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। यहां बरसात के चलते भारी संख्या में लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान बारिश से बचने के लिए लोगों ने अपनी चप्पलों को लाइन में लगा दिया और अपनी जगह फिक्स कर दी। वहीं अब चप्पलों को लाइन में लगाकर वैक्सीन लगवाने के इस अनोखे तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर चप्पलों की लाइन लगी हुई है। हालांकि बारिश होने की वजह से लोगों ने खुद लाइन में लगना सही नहीं समझा, इसीलिए अपनी चप्पलों को लाइन में लगा दिया और उसके बाद जब बारिश रुकी अपने चप्पलों के हिसाब से लोग अपनी बारी पर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। ललितपुर में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। युवक का शव लहूलुहान हालत में मिला है और शव के पास से एक बाइक भी बरामद की गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस शव की शिनाख्त कराने के प्रयास में जुटी हुई है। वहीं देर बारा चौकी क्षेत्र सिलगन रेलवे क्रॉसिंग के पास की ये पूरी घटना है। हाथरस में महिला बाल विकास पोष्टाहार की चेयरमैन सरिता भदौरिया ने महिला जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहीं चेयरमैन के अचानक किए गए इस निरीक्षण से स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान चेयरमैन ने अस्पताल में भर्ती महिलाओं से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली। इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान अस्पताल में गंदगी को देखकर उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी है। तो बता दें औचक निरीक्षण किया गया और इसके बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया, अस्पताल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। चेयरमैन ने अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही वहां पर भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य के बारे में उनकी जानकारी ली। वहीं अस्पताल में गंदगी को देखकर अधिकारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई। लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल सीमा की तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व से सटे गांवों में बाघ और तेंदुओं की चहल कदमी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें दुधवा टाइगर रिजर्व की वन रेंज संपूर्ण घर में मंसूरी फार्म में इस वक्त एक तेंदुआ गन्ने के खेतों में चहल कदमी करता नजर आया है, जो रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी गन्ने के खेतों से बाहर घूमता हुआ दिखाई देता है, जिसके चलते ग्रामीणों ने में दहशत साफ दिखाई देने लगी है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को मामले की जानकारी दे दी गई है और तेंदुए की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मुरादाबाद में देर रात दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर कामगारों को लेकर सीतापुर से हरियाणा जा रही एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर हाईवे पर लगे साइड बैरियर को तोड़ती हुई सड़क से नीचे कई फीट नीचे जाकर पलट गई। जानकारी के मुताबिक बस में लगभग 100 से ज्यादा लोग सवार थे। वहीं हादसे में सूचना मिलते ही मुरादाबाद पुलिस भी हरकत में आ गई और हादसे में करीब 20 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें आनन फानन में मुरादाबाद और रामपुर के जिला अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। ये मैं बरेली के पास फरीदपुर से बैठा था पानीपत के लिए, तो बस खाई में पलट गई। बस तो फिलहाल जो मैं बरेली से फरीदपुर से बैठा था तो उधर से कोई और ड्राइवर लेके आया, ये जो ड्राइवर चेंज हुआ था केवल 7-8 किलोमीटर में ये एक्सीडेंट हो गया था। उससे पहले उन लोगों ने सुल्पा भी यूज किया था, क्योंकि मैं फर्स्ट सीट पे था, गेट के बिल्कुल बराबर वाली सीट पे स्टाफ सीट पे ही था बैठा हुआ।
जी बिल्कुल। ये 5-6 स्टाफ थे बस में, करीब 5-6 स्टाफ थे। उन लोगों ने वही सिगरेट में कुछ भर के, यानी शुल्पा या चरस जो भी हो, फिलहाल जानकारी नहीं है, वो चीज़ यूज की थी इन लोगों ने। बस में तो करीब थे 130 से 150, घायल तो करीब 60-70 लोग हुए, कुछ लोग रामपुर भेजे गए हैं। ये थाना मोड़ा पांडे क्षेत्र में हाईवे पे एक बस पलटने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये डबल डेकर बस थी जो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से हरियाणा में पानीपत में जा रही थी। इस बस में 90 से 100 लोगों की संख्या अभी तक बताई जा रही है। इसमें जो घायलों की संख्या है वो 19 है। इसमें सभी का उपचार चल रहा है, सभी की स्थिति सामान्य बताई गई है, किसी की भी गंभीर हालत नहीं है। इसमें जांच की जा रही, जो भी तथ्य इसके सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। इसमें टोटल 19 घायल हैं, जिसमें से 12 घायल यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं और जो बाकी शेष है वो रामपुर जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इसमें घटनास्थल पे पुलिस भी और एम्बुलेंस और सभी डॉक्टर्स इसमें लगे हुए हैं। इसमें त्वरित कार्रवाई की जा रही है, सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में सपा प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हो गई। मामला महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ के कार्यक्रम का है, जहां नरेश उत्तम भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे थे। जहां किसी बात को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने नरेश उत्तम के सामने ही मारपीट करना शुरू कर दी। इस दौरान नरेश उत्तम ने सभी को समझाने की तमाम कोशिशें की, पर कार्यकर्ताओं ने उनकी एक न सुनी, जिसके बाद नरेश उत्तम कार्यकर्ताओं से नाराज होते हुए नजर आए। तो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से सपा कार्यकर्ताओं में आपस में मारपीट हो गई। हालांकि किस बात को लेकर मारपीट हुई ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, सामने नहीं आई है वजह, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता वहां भारी संख्या में मौजूद थे और किसी बात को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में आपस में ही विवाद हो गया। विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि आपस में पार्टी कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। ये वीडियो, ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर आज पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह देश के पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें इससे पहले मंगलवार को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने अमित शाह से किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर दखल देने की गुहार लगाई थी। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान अमरिंदर सिंह कृषि कानून रद्द करने पर आग्रह कर सकते हैं। बता दें कि लंबे समय से पंजाब के ज्यादातर किसान नए कृषि सुधार संबंधी 3 कानूनों पर पिछले साल से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसान लंबे समय से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर भी डटे हुए हैं। वहीं सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा प्रभावों का हवाला देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पीएम मोदी से इसे रद्द किए जाने की बात कह सकते हैं। और इससे पहले बता दें मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात के दौरान अमरिंदर सिंह ने किसानों के विरोध को हल करने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। पंजाब के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने जानकारी देते हुए बताया था कि अमरिंदर सिंह ने शाह से किसानों के गुस्से का फायदा विरोधी ताकतों को उठाने से रोकने के लिए कहा था। तो बता दें पंजाब के मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर सकते हैं। दरअसल पिछले काफी लंबे समय से, पिछले साल से ही पंजाब के किसान और तमाम राज्यों के किसान दिल्ली और पंजाब के अलग अलग बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में कल भी गृह मंत्री अमित शाह से अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई थी। आज उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अमरिंदर सिंह मुलाकात कर सकते हैं और 3 कृषि कानूनों के को रद्द किए जाने की मांग वो पीएम मोदी से कर सकते हैं।
लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को भले ही केंद्र सरकार लगातार अनदेखा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसने किसान आंदोलन को राजनीतिक प्रभाव का आंकलन भी शुरू कर दिया है। दरअसल पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने आने वाले चुनावों में किसान आंदोलन के प्रभाव को जानने के लिए पार्टी के किसान नेताओं से मशवरा किया है और इससे निपटने के लिए रणनीति भी बना ली है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी किसान आंदोलन की वजह से जरा सा भी जोखिम नहीं लेना चाहती है, लिहाजा यूपी में किसान आंदोलन के लिए काउंटर नीति बनकर तैयार हो गई है। तो बता दें, जैसे जैसे अब विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है और अब किसान आंदोलन में काउंटर करने के लिए पूरी तरह तैयार है बीजेपी। और यूपी चुनाव से पहले बीजेपी किसानों से बात करेगी, जगह जगह यूपी के अलग अलग जिलों में चौपाल लगाई जाएंगी जिन पर किसानों के मुद्दों पर बात की जाएगी। हालांकि अगर बीजेपी या फिर यूपी सरकार अगर अभी भी किसानों से बात नहीं करेगी, किसानों के मुद्दे नहीं सुनेगी, तो हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथ ने बीते दिन एक बयान जारी करते हुए कहा कि स्कूलों के खोले जाने की अपील की है। दरअसल कोरोना के मामलों को देखते हुए पिछले साल मार्च महीने से स्कूलों को बंद किया हुआ है। वहीं सौम्या ने कहा कि बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सीखने की क्षमता पर काफी समय तक प्रभाव रहेगा। आपको बता दें कि देश के कुछ राज्यों में स्कूलों को खोल दिया गया है, तो वहीं इस वक्त कई राज्यों में अभी भी ताला स्कूलों पर लगा हुआ है। ऐसे में स्वामीनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कहा कि स्कूलों के बंद होने के चलते बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सीखने की क्षमता पर लंबे समय तक प्रभाव रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वैक्सीनेशन के साथ स्कूलों को खोलना प्राथमिकता होनी चाहिए। तो बता दें, बीते डेढ़ साल से कई राज्यों में स्कूल बंद हैं। इसी को लेकर डॉक्टर सौम्या ने ट्वीट किया है और कहा है कि स्कूलों को खोलना चाहिए, हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए। बीते काफ़ी समय से हो गया है कि कई राज्यों में स्कूल बिल्कुल भी नहीं खुले हैं, लेकिन तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर स्कूलों को और कॉलेजों को फिर से खोल दिया गया है। पोस्टर विवाद और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हिटलर बताने वाले तेजस्वी यादव का गुस्सा अभी तक थमा नहीं है। अब उनका गुस्सा जगदानंद सिंह पर नहीं बल्कि मीडिया पर है। उन्होंने फेसबुक लाइव के दौरान कुछ मीडिया कर्मियों के खिलाफ मुकदमा करने की धमकी भी दी है। पोस्टर विवाद पर सफाई देते हुए तेज प्रताप ने कहा कि विरोधी लोगों ने ही पोस्टर लगवाया है और चुनाव के समय ही होर्डिंग लगा था, उसमें पिताजी लालू प्रसाद, माँ राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव का पोस्टर नहीं था तो हमने कहां बवाल किया था। तब मीडिया सो रही थी क्या? तब मीडिया को नहीं दिख रहा था क्या? अब मीडिया को पोस्टर बैनर दिख रहे हैं और मीडिया ने शर्मसार करने का काम किया है। बिहार की मीडिया केंद्र सरकार के हाथों बिक चुकी है। छात्र राजद का बचाव करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि दुश्मन संगठन दुष्प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव एक हैं। छात्र राजद के पास इतना पैसा नहीं है कि होर्डिंग वो लगवा सके। किन लोगों ने ये होर्डिंग लगवाया है हमने पता लगा दिया है और कुछ चंद लोग पैसों पर और शराब के नशे में बिक चुके हैं और दिन में तेजस्वी, मीसा, राबड़ी देवी का नाम लेते हैं और रात में कमल पूल के नीचे बैठकर शराब पीने का काम करते हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसे लोग अनाप शनाप लिखते रहते हैं। केरल के बाद अब हिमाचल में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार चिंता बढ़ा रही है। यहां मंगलवार को 419 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 186 लोग ठीक भी हो चुके हैं और दो की मौत हो चुकी है। यहां नए केस 11 जून के बाद सबसे ज्यादा है और तब बता दें संक्रमितों की संख्या 505 थी। राज्य में एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी 16 दिन से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में इसमें 232 की बढ़ोतरी हुई है और अब यहां 2318 मरीजों का इलाज चल रहा है। पूरे देश की बात करें तो मंगलवार को 38,335 नए कोरोना के मामले पूरे देश में मिले, जबकि करीब 40,000 लोग ठीक हो गए और 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस तरह एक्टिव केस में 1,399 की कमी देखी गई है।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।